हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है, ठीक है। यानी जो भी आपके एसएससी एमटीएस की जो कट ऑफ क्या होने वाली है, आपका जो सेप स्कोर बताने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज, और आपके आंसर की कब आने वाली है, ये भी हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। क्लास को अंत तक देखना है। तो सबसे पहले हम आपको पता होगा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सभी को पता होगा, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम में पहला जो पार्ट होगा ये आपका क्वालिफाई होगा, जिसमें आपका मैथ 20 क्वेश्चन आएंगे और इंजीनियरिंग के 20 क्वेश्चन। पार्ट टू में आपकी कट ऑफ बनेगी जीके और इंग्लिश के अकॉर्डिंग, 25-25 क्वेश्चन आपके आएंगे दोनों में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, मतलब आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर पार्ट वन की बात करते हैं, तो पार्ट वन में आपको क्वालिफाई क्राइटेरिया के अनुसार, यानी यू आर वालों को 30% मतलब क्वेश्चन करके आने सही, जैसे कि 30% 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ओबीसी वालों को 10 क्वेश्चन करने हैं, और ईडब्ल्यूएस को 10 क्वेश्चन, और जो आपका मतलब एससी एसटी है इसको भी 8 क्वेश्चन करने हैं। इन सभी को इतने क्वेश्चन करने हैं, और पार्ट टू की जो कट ऑफ आपकी 150 नंबर पर बनेगी, ठीक है, ये याद रखना आपको। आगे चलते हैं, अब थोड़ा ये जान लेते हैं पिछली मतलब ये आपका जैसे कि मतलब कितनी टोटल पोस्ट कितनी है, 9,583 प्लस पोस्ट हैं, ठीक है। और अगर फॉर्म अप्लाई 57 लाख फॉर्म आपके बह गए हैं एसएससी एमटीएस में, और ये आपकी कंपटीशन की बात की जाए तो 594 पर स्टूडेंट का ये कंपटीशन है। लेकिन अगर उपस्थिति की बात की जाए तो 45% उपस्थिति हो गई है, और इसमें आपका फाइनल जो कंपटीशन है वो कितना बैठेगा, फाइनल कंपटीशन आपका 267 पर स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट के 267 लोगों का कंपटीशन होगा एक स्टूडेंट पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम जान लेते हैं जो भी आपकी एसएससी एमटीएस है, ठीक है, उसकी 2023 की कट ऑफ क्या गई थी। पिछली बार आपकी 1558 ही वैकेंसी थी, ठीक है, और अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ भी अच्छी गई थी, जैसे कि 132 गई थी, ये आपकी एमटीएस की है, ठीक है, 130 गई थी, यूआई की 132, ईडब्ल्यू की 130, ओबीसी की 133, एससी की आपकी 130, और जो आपका एसटी के 127। तो आपको घबराना नहीं है जो ये आपको देख के, क्योंकि ये आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ठीक है। जो भी आपकी नॉर्मलाइजेशन हो गया था 2023 में, उसके बाद की जो आपकी कट ऑफ दे रखी है हमने, तो अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन में, यानी आपके 20-25 नंबर बदलते हैं, ठीक है, तो आपको यानी अगर आपके 110 नंबर आते हैं, ठीक है, तो अगर आपके आराम से 130-132 नंबर आपको हो जाएंगे, ठीक है, इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और किसी के 10 बदलते हैं, किसी के 12 बदलते हैं, तो ये फिक्स नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन कितने बढ़ेंगे, ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपका होता है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ उसके अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से जैसे कि 134 गई थी एमएथ, यानी 1827, ये देख कर हवलदार की 132 गई थी, 131 गई थी, 131, 127, 122, ठीक है, आपकी ये आपकी कट ऑफ गई थी पिछले साल। और हम देख लेते हैं जैसे कि मिनिमम कट ऑफ स्टेट किस, मतलब मिनिमम कट ऑफ स्टेट कौन था, तेलंगाना और आंध्र था, ठीक है, ये दोनों आपके मिनिमम कट ऑफ स्टेट थे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, यानी आपकी जो अगर 2024 की बात की जाए तो ये आप 2024 की जो कट ऑफ वो देख भी सकते हो, और यानी थोड़ी इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाती है, ठीक है, कमी हाई जाती है थोड़ा, ये इसमें जैसे कि 130 प्लस जाएगी, ये 129 प्लस, ये 122 प्लस, यानी ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये इससे ऊपर जाएगी, ये आपको पक्का रखना है, इससे ऊपर जरूर जाएगी, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। जैसे 15 ये आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, ठीक है, ये भी, ठीक है, याद रखना आपको। इसमें जैसे कि SC और ST वालों की थोड़ी कम जाती है, लेकिन इसमें आपको जैसे कि SC की भी कम जाएगी, यानी इनकी थोड़ी कम जाती है, और आपकी नॉर्मलाइजेशन बाद इतनी कट ऑफ हो सकती है, मतलब जा सकती है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द आएगी, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से रखें। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं।